टूल बार में सातवें नंबर पर हमारे पास जो टूल मौजूद है उसका नाम आई ड्रॉप टूल। आई ड्रॉप टूल के अंदर हमें फर्दर सब टूल भी मिलते हैं। आई ड्रॉप टूल कैसे काम करता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आई ड्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। माउस से हमने सिंपली सिलेक्ट कर लिया, वैसे इसकी शॉर्टकट जो है आई है, उसको आप प्रेस करें आई को कीबोर्ड से तो आई ड्रॉप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो फर्दर टूल है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आई प्रेस करें। आई ड्रॉप टूल के जरिए हम अपनी इमेज में से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास अभी जो इमेज मौजूद है इसमें हमें ब्लू कलर के मुख्तलिफ शेड्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई भी शेड अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो सिर्फ उस पर जाएं और इस पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें तो वही कलर हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम इस कलर के जरिए राइटिंग कर सकते हैं या जो भी हमारे मतलब का काम हम उस कलर के जरिए कर सकते हैं। आई ड्रॉप टूल के साथ हमें दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं जिनमें से हम जो पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिधर हम माउस को लेके जाएं सिर्फ उधर से सिलेक्ट हो, या एवरेज इसकी 3x3 5x5 सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लेयर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑल लेयर अभी सिलेक्ट हुई हुई है कि जो भी कलर हमें आउटपुट दिख रहा है वही इसमें से सिलेक्ट होगा, या फिर इस ऑप्शन के जरिए हम मुख्तलिफ जो इसकी सेटिंग्स है उसको कर सकते हैं। करंट लेयर के लिए, करंट एंड ग्लो लेयर के लिए, इस तरह के कुछ सेटिंग्स हमें इसके साथ मिलती हैं। आई ड्रॉप टूल के अंदर हमें दूसरे नंबर पर 3D मटेरियल आई ड्रॉप टूल मिलता है जो कि 3D प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें इस टूल को यूज़ नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कलर सिंपलर टूल। कलर सिंपलर टूल जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये सैंपल लेने के लिए, सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके जरिए हम एक इमेज में से 10 सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें हम बाद में वक्त पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आई ड्रॉप टूल के जरिए काम करता है। जिस कलर का आपने सैंपल लेना है उस कलर पे जाएं और जाके इसके जरिए माउस के लेफ्ट बटन के जरिए क्लिक करें तो ये सैंपल कलेक्ट कर लेता है। इसमें RGB की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है और इधर हमारा मार्क शो हो रहा है कि इधर से सैंपल ये लिया गया। इसी तरह से हम 10 सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों से, सारे के सारे इधर शो होंगे जिसको हमने यूज करना है, इधर से हम उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। इन्फो के पायलट को बंद कर देते हैं, कंट्रोल सेट के जरिए वापस चले जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टूल मौजूद है उसका नाम है रोलर टूल। रोलर टूल किसी इमेज में से ऑब्जेक्ट की मैश करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम दूसरी इमेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें इस इमेज में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो बुक्स हैं। इन बुक्स के डिमेंशन को मालूम करने के लिए हम रूलर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। रूलर टूल को एक पॉइंट से क्लिक करें और दूसरे पॉइंट तक जाएं और जाके माउस के बटन को रिलीज कर दें तो ये उसकी मैश जो है ऊपर शो करता है। यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी इस इमेज के अंदर कहाँ पे ये शो हो रही है और ये उसकी हाइट और विड्थ है, ये सारी पैमाइश उसकी ऊपर आ जाती है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है नोड टूल। नोड टूल अमूमन तौर पर उस वक्त यूज होता है जब एक ही प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपने जो कैनवास पे किसी पे काम किया है उसके मतलब का कोई इंफॉर्मेशन बाद में काम करने वाले को बताना चाहते हैं तो आप नोट टूल के जरिए उसे इमेज के अंदर ही राइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है जिस जगह आपने कोई इंफॉर्मेशन राइट करनी है उस जगह, और उसके बाद इस बॉक्स के अंदर जो आप चाहें उसे लिख सकते हैं। नोट लिखने के बाद इस नोट पायलट को क्लोज कर दें और इस इमेज को आप अगर नोट के साथ सेव करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट मस्ट भी फोटोशॉप फॉर्मेट में होना चाहिए यानी PNG, अदरवाइज आपका जो नोट है वो डिलीट हो जाएगा। इस नोट को रीड करने के लिए नोट टूल के जरिए इस बार पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे तो आपका जो नोट है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। कंट्रोल जेड के जरिए वापस चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट टूल। काउंट टूल जो है ये मुख्तलिफ चीजों को नंबर देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम जो हमारा डॉट का साइज और लेटर का साइज है उसे चेंज कर सकते हैं। डॉट के साइज को भी हम यहां से चेंज कर सकते हैं और इसका कलर जो हम इस पे नंबरिंग देंगे उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं।
इसका फॉर्मेट अपनी मर्जी के मुताबिक करने के बाद आपने जिस भी जगह पर नंबरिंग करनी उस पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है। ये नंबर एक हो गया, ये दो, और ये तीन, और ये चार। इस तरह से आप किसी भी इमेज के अंदर इन नंबरों को शो करवा सकते, जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। और जब आप इमेज को सेव करेंगे तो ये साथ में सेव नहीं होंगे। इनको सेव करने के लिए आपको PNG के फॉर्मेट में ही सेव करना होगा। इसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है स्पॉट हीलिंग टूल। ये किसी इमेज में किसी हिस्से को हील करने के लिए इस्तेमाल होता है। माउस के लेफ्ट बटन के जरिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको समझने के लिए मैंने पहले से इमेज ऑन कर रखी है, उस इमेज पर चले जाते हैं। इस इमेज में आपको एक एप्पल दिखाई दे, इसमें फफूंदी लगी हुई। हम स्पॉट हीलिंग टूल के जरिए इस फफूंदी को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे ही रहने देते हैं अभी, और माउस के लेफ्ट बटन के जरिए इस पे क्लिक करें। इसको इस तरह से कुछ पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद जैसे ही आप माउस का बटन रिलीज करेंगे, स्पॉट हीलिंग टूल है ये अपना काम करेगा। तो मैं माउस का बटन रिलीज करता हूँ तो आपने देखा कि ये फफूंदी जो है बिल्कुल गायब हो। तो यही हमारा जो स्पॉट हीलिंग टूल है उसके काम। इस तरह से हम अपनी जो इमेज है उसमें मुख्तलिफ स्पॉट जो है उन्हें हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड के जरिए वापस जाते हैं। दूसरा टूल हमारे पास जो है वो है हीलिंग ब्रश टूल। इन सब की जो शॉर्टकट है वो जे है। तो अभी हम हीलिंग ब्रश टूल पे हैं। ये बिल्कुल स्पॉट हीलिंग टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके लिए आपको जो ब्लाइंड करने के लिए एरिया होता है उसको पहले सेलेक्ट करना होता है। स्पॉट हीलिंग टूल जो है वो AI के जरिए खुद से सेलेक्ट करता है, लेकिन इसमें आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये उस जगह से आपकी जो लेयर है उसको, जिस जगह आप हीलिंग करना चाहते हैं उस जगह पे ब्लाइंड करेगा, तो आपकी इमेज जो है वो ठीक से दिखने लगेगी। इसके लिए आपको एल्ट का बटन प्रेस करना है कुछ इस तरह का। जब कर्सर बन जाए तो जिस जगह को आप उस जगह पे ब्लाइंड करना चाहते हैं, यानी आप देखें कि इस जगह आपने हीलिंग करनी है, तो ये जगह कुछ इसके साथ मैच कर रही है। तो हम इस जगह आके माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और उसके बाद एड का बटन रिलीज कर देंगे। अभी हम जैसे ही इधर पेंट करना शुरू करेंगे तो ये वाली लेयर जो है इसका ये हिस्सा इस जगह पे कॉपी होगा। तो हम माउस के लेफ्ट बटन से इसको पेंट करना शुरू करते हैं। तो हमें जिस जगह से हमने अपना सैंपल कलेक्ट किया है उस जगह पे हमें कर्सर का निशान भी दिखाई दे रहा है। अगर आपका कर्सर उस जगह से बाहर जा रहा हो जिस जगह पर आप सेलेक्ट किया है, तो आप बार बार इसे माउस के बटन को रिलीज करके दोबारा से इसका जो पेंटिंग है उसे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपनी जो फोटो है उसको हील कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल के जरिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैच टूल। पैच टूल भी हीलिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस जगह पे आप हीलिंग चाहते हैं उस जगह की सिलेक्शन लेनी होती है। उसके बाद उस सिलेक्शन को मूव करना होता है उस जगह पे जिस जगह पे आप ब्लाइंड करना चाहते हैं उसे। तो मैं इस निशान को खत्म करने के लिए इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। मैं उसका लेफ्ट बटन दबा के रखा और इसकी सिलेक्शन ले। अभी इस सिलेक्शन को हम उस जगह मूव करेंगे जिस जगह की लेयर हम इस जगह पे ब्लाइंड करना चाहते हैं। तो ये जगह हमें काफी इसके साथ मिलती जुलती लग रही है, तो हम यहाँ पे इसको रिलीज कर देंगे। तो ये उस जगह की लेयर को उस सिलेक्शन वाली जगह पे रिप्लेस कर देगा। अभी हम कंट्रोल डी के जरिए सिलेक्शन को खत्म कर देते हैं। तो हमारे जो निशान थे इधर वो खत्म हो गए, यानी इसकी हीलिंग हो गई। ये पैच टूल भी हीलिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरह से आप अपने जो इमेज है उनको हील कर सकते हैं। कंट्रोल जेड के जरिए वापस चले जाते हैं क्योंकि अभी हमें निशान की जरूरत है। इसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये बिल्कुल पैच टूल की तरह ही काम करता है लेकिन रिवर्स में। तो हम इस जगह की सिलेक्शन लेते हैं
सिलेक्शन लेने के बाद इसे मूव करेंगे इस जगह पे जो निशान हम खत्म करना चाहते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो इस तरह से हम इसके निशान जो हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं कंटेंट अवेयर टूल के जरिए। लेकिन हीलिंग के अंदर ये कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। इसका बेसिकली मकसद होता है इमेज के कुछ हिस्से को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना। तो ये था हमारा कंटेंट अवेयर टूल। इसके बाद हमारे पास आता है रेड आई टूल। रेड आई टूल को हम आने वाले लेसन में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।